सिटी न्यूज 24 पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आगामी कल 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर बहुत से इलाके में गर्मा गर्मी का माहौल है और हर जगह सियासी झड़प, इस तरह के वारदात सामने आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? दीदी ने चुनाव को चुनाव उसका छोड़ा नहीं है। दीदी ने जिस तरह से महिला कार्ड खेलने का जो उन्होंने एक रीत रचा है वो उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्होंने अपनी हर स्पीच में कहा है जब महिला आगे बढ़े उसका मतलब क्या है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ एक अंदरूनी बात है। आज जितने भी हम लोगों से मिलते हैं या जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, टीएमसी के हर एक इंसान मुल्लाओं पर भी बात उठाते हैं और पंडितों पर भी बात उठाते हैं। इसी को लेकर के आज मैंने पूरी फाइल दिखाई है कि देखिए 12 सितंबर 2017 से एक मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था टीएमसी के काउंसिलर, वो काउंसिलर मुस्लिम है। तो आज आप सोचिए कि मैंने दीदी को भी कई चिट्ठियां भेजी हैं, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि मैंने दीदी को भी चिट्ठियां भेजी हैं। तो आज उस पर जब मीडिया उठ रही है कि तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह बोल करके तुमने मुसलमान के लिए भी कुछ नहीं किया, राम के नाम से भी तुमको शुरू होता है, तो आखिर तुमको डरना क्या है? तुमको हिंदी भाषा भाषी बाहर के लोग लगते हैं तो आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तो इस तरीके से तो आप किसी की नहीं हो रही है, तो ये एक रीजन है। मुझे लाख जितने भी थ्रेटनिंग आ जाए लेकिन मैं तो मुंह बंद करने वाली हूँ नहीं। ग्राउंड की जो सच्चाई है कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ है वो सच्चाई छुप नहीं सकती है। सर पर दुपट्टा रखने से ममता बनर्जी मुसलमान की हमराज नहीं हो सकती है, मुसलमान की मसीहा नहीं हो सकती। नाजिया जी, ये भी सुनने में आया है कि आपको पॉलिटिकल प्रोग्राम में साथ देने के लिए या फिर भाषण देने के लिए बहुत सी थ्रेटनिंग आ रही है, तो ये थ्रेट कहाँ से मिला आपको? मैसेंजर पर मुझे आज से नहीं, पिछले 6 महीने से मुझे बहुत गाली गलौज करके थ्रेटनिंग का मैसेजेस आ रहे थे जिसको मैंने बहुत लाइटली लिया। मैंने उतना उत्तेजित होकर के मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। सेकंड टाइम वो उनमें से काफी सारे लिस्ट मुसलमानों के थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। तो आज सुबह में 10:30 बजे ऑलरेडी मेरे घर पे 20 बजे लड़के आ गए जो अपार्टमेंट के बाहर, उन लोगों ने बहुत तमाशा किया मेरे को मैसेंजर पर फोन करके और नीचे मेरे घर अपार्टमेंट के बाहर से मुझे रेप की और मर्डर की धमकी दी गई। तो बहुत बहुत ये लोग नीचे गिर चुके हैं। श्रीमती ममता बनर्जी की सोच है और उनका एक चरित्र है कि जो मुसलमान आवाज उनकी सच्चाई को खोलेगी, उनके पोल पट्टे को खोलेगी, वो उसको बंद करने पर लग जाएगी। जो नाजिया इलाका रोकने वाली है ये उनको, ये श्रीमती ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छे से नजदीक से जानती है। डिबेट में और यहाँ पे बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, नारी सुरक्षा पर भी चर्चा हुई, तो नारी सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए नारी सुरक्षा को लेकर के अगर ममता बनर्जी इतनी स्ट्रांग हुई होती तो आज पश्चिम बंगाल में इतने बलात्कार नहीं होते, इतने मोलेस्टेशन नहीं होते, इतने डोमेस्टिक वायलेंस केसेस नहीं होते, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कोई यहाँ पर नारी सुरक्षा है नहीं। ये कहिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं तो एक आपस में एक जो मोहब्बत है उसको भी तोड़ने के लिए दीदी ने ला इलाहा भी पढ़ ली और राम के नाम पर लोगों को जेल भेजने की धमकी भी दी। तो वो पार्शियलिटी कर रही है, वो तोड़ना चाह रही है, वो हिंदू मुसलमान की एकता को खत्म करना चाह रही है जो हम लोग होने हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सत्ता में आते ही मतलब पश्चिम बंगाल को किस एंगल से, किस तरह सुनार बांग्ला बनाएंगे? हर एक तरीके से, लाइन के तरीके से, काम के तरीके से, शिक्षा के तरीके से, डेवलपमेंट के तरीके से, हर एक तरीके से सुनार बांग्ला बनाएंगे। यहाँ पे विधाननगर विधानसभा क्षेत्र है और दो तृणमूल के पुराने कर्मी आज एक दूसरे के आमने सामने हैं, और चूंकि आपका भी इसी क्षेत्र में घर पड़ता है तो इस बारे में आप किसको ज्यादा ये समझती हैं? मुझे तो समझ भी नहीं आता है कि 6 महीना या 5 महीना सब्यसाची दत्ता जी को यहाँ से हटे हुए हुआ है, तृणमूल कांग्रेस को छोड़े हुए हुआ है। 7-6 महीने के अंदर सुजीत बोस ने पूरी दुनिया का सारा काम कर दिया और पूरा विधानसभा को उन्होंने लंदन बना दिया, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। 5 लोग 10 लोग 15 लोग 25 लोग उनके हो करके बैठ करके चिल्ला चिल्ली जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो जिन्होंने भी किया है वो अपने हृदय पर अपने कलेजे पे हाथ रख के घर में जाके जरूर सोचेंगे कि पार्टी के लिए तो हम ईमानदार हैं लेकिन पार्टी हमारे लिए ईमानदार नहीं है, ये जरूर वो सोचेंगे। शुक्रिया।